हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 2 जो कि है एलिमेंट्स कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन वाला। कॉस्ट क्लासिफिकेशन को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ, उन वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट के बारे में जानेंगे, वेरिएबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है उसको हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। द प्रोडक्ट कॉस्ट इज द टोटल ऑफ कॉस्ट दैट आर एसोसिएटेड विथ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट को हम टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट मीन्स उत्पादन लागत जो होती है वो कुल लागत को हम बोलते हैं। और इसे किससे जोड़ा जाता है? उत्पादन की जो एक इकाई होती है, एक यूनिट जो होती है, उससे इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो एक इकाई है, एक यूनिट, प्रोडक्ट की एक यूनिट, उससे जोड़ा जाता है किसको? प्रोडक्ट कॉस्ट को। ठीक, सच कॉस्ट मे और मे नॉट इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ ओवरहेड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॉस्टिंग मेथड अप्लाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिस भी कॉस्टिंग मेथड को अप्लाई कर रहे हैं ना, यूज़ करते हैं, उसके आधार पर ये ऐसी कॉस्ट होती हैं जिनको वो शामिल भी कर सकते हैं और चाहें तो शामिल नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके आधार पर, ज़रूरी नहीं कि वो हेड्स के आधार पर इसको करें ही। ठीक है, जो भी कॉस्टिंग मेथड वो अप्लाई कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट की एक यूनिट से जोड़ा जाता है। और प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है वो मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट लेबर आ जाता है, डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाते हैं। तो फैक्ट्री से रिलेटेड या फिर जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आता है किस में? प्रोडक्ट कॉस्ट में। प्रोडक्ट कॉस्ट इट मीन्स कि किसी भी सामान को जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उस पर जितनी भी लागत आती है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट। और प्रोडक्ट कॉस्ट को जोड़ा जाता है किसी भी प्रोडक्ट की एक यूनिट से जोड़ा जाता है। मींस अगर आपको, जैसे ये स्केच पेन है, ठीक है, अब आप इसमें ये तो नहीं बताएंगे कि कितना डायरेक्ट लेबर आया, कितना डायरेक्ट मटेरियल आया। आप इसको बोलोगे कि इस पे 10 रुपये आया है इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट आई है, या 5 रुपये इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट आई है, आप डायरेक्ट ये बताएंगे। ठीक है, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करें, दीज आर सच कॉस्ट विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड विच विल नॉट बी इंकर्ड इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। सो जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है ये आवश्यक होती है। किसके लिए आवश्यक होती है? प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन का काम कब शुरू होगा? जब आपके पास लेबर होगा। ठीक है, डायरेक्ट लेबर होंगे, वर्कर्स होंगे, डायरेक्ट मटेरियल होगा। ठीक है, फैक्ट्री होगी जहाँ पर आप काम कर पाए प्रोडक्शन का। तो जब प्रोडक्शन का काम होता है तब उसके लिए इस तरह की जो कॉस्ट होती है वो ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है। लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब इस तरह की कॉस्ट का जो भी व्यय है वो नहीं किया जाता, एक्सपेंसेस नहीं किए जाते हैं, कॉस्ट नहीं की जाती है। ठीक है, इंकर्ड नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर प्रोडक्शन होता है तो उनके लिए ये प्रोडक्शन कॉस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो ये फीचर है प्रोडक्ट कॉस्ट का। ठीक है, दिस कॉस्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाई और अटैच्ड टू द यूनिट्स प्रोड्यूस। अब जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है तो ये जो कॉस्ट होती है ना उसमें अवशोषित की जाती है या संलग्न होती है, मीन जोड़ी जाती है। ठीक है, मतलब उससे जुड़ी होती है, समझ रहे ना आप, इंक्लूड होती है। तो अगर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो रही हैं तब ये कॉस्ट उसमें क्या होती है? जुड़ी होती है, अटैच्ड होती है, संलग्न होती है। ठीक है, दिस कॉस्ट इज कॉल्ड इन्वेंटेरिएबल कॉस्ट बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और गुड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये जो कॉस्ट है ना आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट, इसको इन्वेंटरीबल कॉस्ट भी बोलते हैं। इन्वेंटरीबल मीन्स वही, इन्वेंट्री क्या होती है? जो स्टॉक की लिस्ट होती है हम इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। ठीक है ना, तो सूची योग्य जो सामान है या प्रोडक्ट है या माल है उसको भी हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक, तो प्रोडक्ट कॉस्ट को आप क्या बोल सकते हैं? इन्वेंटरीबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये इंक्लूडेड होती है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में, प्रोडक्ट की जो भी लागत होती है उसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है, अब वो फिनिश्ड गुड्स भी, वो प्रोडक्ट कैसा हो सकता है? फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है, या हो सकता है आप उस प्रोडक्ट को अभी प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर सेल कर चुके हो। सो जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, तो इस तरीके से इसको हम क्या, इसके फीचर्स हैं किसके? प्रोडक्ट कॉस्ट के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पीरियड कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, सो पीरियड कॉस्ट ऑन द अदर हैंड आर कॉस्ट दैट टेंड टू बी अनअफेक्टेड बाई चेंजेस इन लेवल ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग अ गिवन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। पीरियड कॉस्ट क्या होती है अगर हम बात करें तो? दूसरे तरफ जो पीरियड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट टेंड टू बी अनअफेक्टेड बाई चेंजेस इन लेवल ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग
गिवन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ होता है ना कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो भी आपकी लेवल होता है प्रोडक्शन का जो या एक्टिविटी का जो लेवल है उसमें अगर किसी भी तरह कोई भी बदलाव होता है, कोई भी चेंजेस होता है, तो जो पीरियड कॉस्ट होती है अनअफेक्टेड होती है, अप्रभावित रहती है। ठीक है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है लेवल के अप या डाउन होने से। ठीक है, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं किस लेवल तक लेकर जाते हैं उसका यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है पीरियड कॉस्ट पर। क्लियर। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हैं तो ज़्यादा आ सकती है, प्रोडक्ट कॉस्ट कम करें तो कम आ सकती है, पीरियड कॉस्ट पे ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। लेकिन पीरियड कॉस्ट में कौन कौन से एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ओवरहेड आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाती हैं, आर पीरियड कॉस्ट एंड आर डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज विदाउट बींग रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, सो ये जो होता है आपका जो पीरियड कॉस्ट होती है, जो आपकी ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती हैं, इन सभी को डिडक्ट किया जाता है कहाँ से, जो भी रेवेन्यू होगी, जो भी आपकी इनकम अर्न हो रही उसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, एंड विदाउट बीइंग रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री कॉस्ट से बिना संबंध के, मतलब इसका संबंध स्थापित किए, इसको क्या किया जाता है, रेवेन्यू में से माइनस कर दिया जाता है। किसको, पीरियड कॉस्ट को। फीचर्स ऑफ पीरियड कॉस्ट देखते हैं। दीज आर सच कॉस्ट विच आर नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन एंड विल बी इंकर्ड इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। सो ये जो कॉस्ट होती है, इस तरह की जो कॉस्ट होती है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगी पीरियड कॉस्ट, और प्रोडक्शन कॉस्ट से रिलेटेड कौन कौन सा होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, वो सब रिलेटेड होती हैं किससे, प्रोडक्ट कॉस्ट से। तो पीरियड कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है, विल बी इंकर्ड इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। इसको इंकर्ड नहीं, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो भी इसको इंकर्ड किया जाता है। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, इसको मतलब इस व्यय को किया जाता है, इसे वहन किया जाता है, किया इंकर्ड किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की पीरियड कॉस्ट को किया जाता है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। ठीक है, दीज कॉस्ट आर नॉट इन्वेंटराइज बिकॉज दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये जो कॉस्ट होती है सूची योग्य नहीं होती हैं, इन्वेंटराइज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक की जो वैल्यू है, ठीक है ना, उसमें इंक्लूडेड नहीं है। पीरियड कॉस्ट स्टॉक की वैल्यू में इंक्लूडेड नहीं होता है, मीन्स उसमें शामिल नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, तो ये भी क्या है, फीचर्स ऑफ पीरियड कॉस्ट है। सच कॉस्ट आर इंकर्ड फॉर अ टाइम पीरियड एंड आर रिटन ऑफ एज एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड इन विच दीज आर इंकर्ड। इस तरह की जो कॉस्ट होती है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इसको रिटर्न ऑफ करना होता है एज एक्सपेंसेस। जैसे कि आप डेप्रिसिएशन मान सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पीरियड पे क्या होता है, कोई भी एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती रहती है। तो उसको हमें, उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को हमें रिटर्न ऑफ करना होता है एज एक्सपेंसेस। तो हम उसको कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड, जिस भी पीरियड कि वो डेप्रिसिएशन अमाउंट शामिल होगा या जो भी पीरियड कॉस्ट होगी जो शामिल हो रही होगी, हम उसको कहाँ पर लेकर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये फीचर्स थे पीरियड कॉस्ट के। और भी आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, पर्पस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट के, प्रोडक्ट कॉस्ट के क्या पर्पस होते हैं। सो प्रोडक्ट प्राइसिंग, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस फॉर कंप्यूटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग मीन्स किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने के लिए, कि मान लीजिए अगर ये स्केच पेन है तो इसका कितना प्राइस आएगा, इसको जानने के लिए ज़रूरी है कि जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कितनी आई है, मीन्स इस पेन को, स्केच पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है, तभी तो आप इसका प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। सपोज इसको बनाने में आ गया है 5 रुपये, प्लस आप इसमें अपना 5 रुपये प्रॉफिट भी ऐड कर लें तो 10 रुपये में आप इसको बेचेंगे। ठीक है, तो ये होती है प्रोडक्ट की प्राइसिंग। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स जो भी आप बना रहे हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसमें हेल्प हो जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, यू शुड बाय द काउंसिल ऑफ ICAI, ऑल्सो फोकसेस ऑन इन्वेंटरीएबल और प्रोडक्ट कॉस्ट्स। और अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म ज़रूर बताएं, और जिनको नहीं पता है वो मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने फुल फॉर्म भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट, इसके माध्यम से, इसकी सहायता से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आसानी से प्रिपेयर कर सकती है। ये मकसद भी होता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट पे फोकस किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कॉस्ट प्लस मेथड, फॉर दिस पर्पस ऑल्सो नॉर्मली प्रोडक्ट कॉस्ट आर टेकन
इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का कंसिडरेशन जानने के लिए, लेने के लिए, ठीक है, ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। ठीक, क्योंकि अगर जैसे होता है ना कि बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको कहती हैं कि हमें टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बता दीजिए, इस पर्टिकुलर सामान को बनाने के लिए आप कितना प्राइस लेंगे। ठीक है, तो वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप ये 100 यूनिट्स हमारे लिए बना दीजिए, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो पूछती है। तो वो किसके आधार पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बताएगी, जो भी उसकी अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट आएगी उसके आधार पर उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को फाइंड आउट करेगी और फिर जो भी उनके वो हैं उनको बता देगी। ठीक है, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्टी हैं उनको वो बता देती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट के माध्यम से। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट वर्सेस डायरेक्ट कॉस्ट, इनमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अ वेरिएबल कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट विच टेंड्स टू वेरी डायरेक्टली विद द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये एक टाइम पर जाकर के डायरेक्टली क्या होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग ये वेरी करती है। मीन्स आपका आउटपुट कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। ठीक है, मटेरियल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, सो हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज द एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू अ डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट आती है उसको एलोकेट करते हैं आप कहाँ पर, डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे इसको एलोकेट कर सकते हैं जो भी डिपार्टमेंट्स हैं एंड देयर आफ्टर टू वेरियस प्रोडक्ट्स और जॉब्स। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स हैं, जॉब्स हैं, उसके बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो वो वेरी करती है, अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। दस इट इज़ क्लियर दैट ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्ट। और एक बात बता दें कि जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं वो डायरेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्ट। ठीक, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती हैं, लेकिन जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं मे नॉट बी वेरिएबल। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, वो वेरिएबल नहीं होंगी, हो सकता है फिक्स्ड हो। ठीक है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादातर डायरेक्ट होती हैं, लेकिन हर डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो सकती, हो सकता है वो कुछ फिक्स्ड भी हो। ठीक है, अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सब डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्ट, फटाफट डिस्कस कर देंगे, वीडियो लंबी हो रही है, मैं चाहती हूँ कि कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ। एस्टिमेटेड कॉस्ट इज अ प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट एज इट रिफर्स टू प्रिडिक्शन ऑफ कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होता है, जैसे प्रिडिक्शन, आप प्रिडिक्ट करते हैं ना कि कितना खर्च हो सकता है। ठीक है, तो इसको प्रिडिक्शन कॉस्ट भी हम बोलते हैं, किसको, एस्टिमेटेड कॉस्ट को, अनुमानित लागत को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोहलर ने कहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट मीन्स द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर और एक्विजिशन ऑफ एन इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन एडवांस ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन और परचेज। सो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है, हम इसको क्या बोलते हैं, संभावित लागत भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चर जिस के अकॉर्डिंग हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। जो भी वास्तविक हमारी उत्पादन, जो भी हमारा वास्तविक उत्पादन होता है, वास्तविक क्रय होता है, उसके आधार पर चीज़ों को क्या किया जाता है, पहले ही कंप्यूट कर लिया जाता है, थोड़ा सा ना उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसको कंप्यूट किया जाता है, जो भी वास्तविक उत्पादन से संबंधित इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसी के आधार पर कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है प्रोडक्ट की, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स अ प्लान्ड कॉस्ट। अब अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानक लागत या प्रमाप लागत, इसको प्रमाप लागत बोलने के साथ साथ योजना लागत भी बोल सकते हैं। मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट में पहले से आप एक प्लानिंग कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे 100,000 रुपये खर्च होंगे, मीन्स आपने डिसाइड कर लिया कि 100,000 तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, एंड विच अटेम्प्ट्स टू शो व्हाट द कॉस्ट शुड बी फॉर क्लियरली डिफाइंड कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस। सो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, आप इसे डिसाइड करते हैं या शो करते हैं, क्लियरली डिफाइन करते हैं किन बेसिस पे, जो भी क्या कंडीशन है, क्या सर्कमस्टांसेस है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में क्या, मतलब किस तरह की कंडीशन को फेस करना हुआ, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर दी जाती है। इट मे बी नोटेड दैट दो प्री डिटर्मिनेशन इज द एसेंस ऑफ बोथ दीज कॉस्ट बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो इसको प्री डिटरमिन कॉस्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग होती हैं, डिफर होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। ठीक है,
जो कॉस्ट होती है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्लान्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो पहले से डिसाइड होते हैं, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफर होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटेशन एम्फेसाइज यूजर्स रिकॉर्ड एंड द एप्लीकेबिलिटी। तो वो अपनी कंप्यूटेशन या अपनी किस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है उन चीज़ों के अकॉर्डिंग वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है उसमें। जैसे कि प्री डिटर्मिनेशन कॉस्ट में पहले आप कुछ डिसाइड कर सकते होगा, और स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपने डिसाइड कर ही लिया कि 1 लाख तो लगना ही लगना है। तो जो भी रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, तो अलग अलग वैरी करती हैं कि दोनों अलग आ सकती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सेम आए। तो ये होती है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कि पहले से डिसाइड होती है, आप पहले से तय कर लेते हैं कि 1 लाख तो लगनी लगनी है, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, जो आप चीज़ों को देखते हैं कि हाँ इतना आ जाएगा, पर इस प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग आप फिर देखते हैं कि कितना आएगी कॉस्ट, तो वो हो जाती है आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे कॉस्ट के बीच में, ताकि मुझे लगा कि आपको समझा देना चाहिए, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।